जादू को तोड़ने के बहुत से और भी औराद आते हैं। मैंने जादू है या नहीं है ये भी एक वीडियो अपलोड की हुई है, मालूम करेंगे आपके पास जादू का असर है भी कि नहीं है, और भी इसके तोड़ने के जादू के हिसाब से उसके तोड़ आते हैं। एक जादू का तोड़ जो इंतहाई मुजरब है वो मैंने वीडियो बना के डाली हुई है। मजीद अर्ज करता हूँ कि जिस बंदे के ऊपर जादू हो या नजरे बद हो या फिर उसको डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया हो, जवाब दे दिया हो, ऐसा मरीज के जिसके कहते हैं डॉक्टर कहते हैं इसका कोई इलाज नहीं है, जाएं अब आप तो, या फिर कैंसर की बीमारी को भी डॉक्टर लाइलाज कहते हैं। हकीकत यह है कि इसका इलाज डॉक्टरों को मिला नहीं है और ना इसका इलाज मुमकिन है। और इसके लिए या हयू हीन अला हय फी दैमूमती मुल्क ही व बका ही या हय, ये अल्लाह करीम की पाकीज़ा नाम है और उसकी तारीफ है। अल्लाह के नाम में शिफा नहीं तो फिर कहाँ शिफा होगी। तो इसको 200 मरतबा रोजाना सुबह फजर की नमाज के बाद पढ़ना है। अवला के 6-6 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और इसको पढ़ करके अपने जिस्म पर भी दम करें, पानी पर भी दम करें और उस पानी को फिर पिएं। तो इंशाल्लाह अजीज ऐसा करने से वो जो मेरा मर्ज है वो इलाज है, इंशाल्लाह वो जो मर्ज है वो भी दूर हो जाएगा। जादू है तो उसका भी असर खत्म हो जाएगा, नजरे बद कैसी है उसका भी असर खत्म हो जाएगा। इंशाल्लाह आप दुआएं देंगे, ये बहुत पावरफुल अमल है। इसको अगर चीनी की प्लेटों पर भी क्लिक कर पिया जाए तब भी 40 दिन तक ये बहुत फायदेमंद होता है। इससे अल्हम्दुलिल्लाह कैंसर के मरीज भी ठीक हो चुके हैं। ये आप कीजिए, आपको इजाजत है आप इसको करें तो इंशाल्लाह अजीज फायदा ही फायदा हासिल होगा। आपसे मुझे दुआएं चाहिए, इंशाल्लाह आप दुआएं देंगे। अल्लाह करीम आपकी तकलीफों को दूर फरमाए। आपका कोई अजीज तकलीफ में है ये लिंक उन्हें शेयर कीजिए। इंशाल्लाह अजीज जो करेगा जरूर बरकत पाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।